हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज तुषार सैनी एंड आज हम क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी हमें से जिन स्टूडेंट्स ने लिया है, आज हम इंट्रोडक्शन लेते हैं क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है? तो स्टूडेंट्स, क्लास इलेवेंथ में एक हमने लिया है बायोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी में हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है, क्या क्या मेन फीचर्स हैं, बायोलॉजी को स्टडी करने के क्या क्या तरीके हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास इलेवेंथ में हमारे पास बायोलॉजी की टू ब्रांच हैं। फर्स्ट ब्रांच है स्टूडेंट्स जूलॉजी, सेकेंड ब्रांच होती है बोटैनी। बायोलॉजी में हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है जूलॉजी एंड एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है बोटनी। हमारी बायोलॉजी की बुक्स टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, जूलॉजी एंड बोटनी। बायोलॉजी में स्टूडेंट्स हमको ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है। देखिए स्टूडेंट, हमें कुछ फील लेना है, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। बायोलॉजी का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, एक साइंटिस्ट, जीव को पढ़ने की एक तकनीकी, जीव को पढ़ने की एक जो टेक्निक होती है, जीव को स्टडी करने की जो टेक्निक होती है, बायोलॉजी, जीव को पढ़ने की टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी की टू ब्रांच होती हैं जूलॉजी एंड बोटनी। तो स्टूडेंट्स, जूलॉजी एंड बोटनी, जूलॉजी में हम स्टूडेंट्स एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एनिमल्स स्टडी स्टार्ट होती है बहुत छोटे छोटे एनिमल्स से, जिन्हें हम अपनी आई से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया से, कुछ प्रोटोजोआ से छोटे एनिमल्स की स्टडी करते हैं। फिर थोड़ा बड़े एनिमल की स्टडी करते हैं, जैसे कि थोड़े बड़े एनिमल्स जो वाटर में रहते हों, फिर थोड़ा और बड़े एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जैसे केचुए, छिपकली, फिर और बड़े। ऐसे सारे एनिमल्स की स्टडी करनी है हमें जूलॉजी के अंदर। एनिमल्स क्या है, सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, एनिमल्स किससे बनते हैं, कैसे खाते पीते चलते फिरते, क्या क्या एक्टिविटीज़ है। तो स्टूडेंट्स, एक होता है बोटनी, बोटनी के अंदर हमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है, प्लांट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनके फीचर्स। तो स्टूडेंट्स, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बोटनी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो हमारे पास फादर ऑफ, हमें लर्न करना है फादर ऑफ जूलॉजी। जो फादर ऑफ जूलॉजी है स्टूडेंट्स, वो होते हैं अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है स्टूडेंट्स अरस्तु को, अरस्तु को। और स्टूडेंट्स, फादर ऑफ बोटनी होते हैं, फादर ऑफ बोटनी होते हैं थियोफ्रेस्टस। कौन होते हैं स्टूडेंट्स? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो स्टूडेंट, जूलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, तो हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स बायोलॉजी ने एक वर्ड पढ़ना होता है हमें, दिस इज सेल। तो स्टूडेंट्स, सेल इज द, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट और एनिमल्स, ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, आर मेड ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एनिमल्स होते हैं, वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल इज बेसिकली टू टाइप, सेल टू टाइप की होती हैं। एक सेल होती है स्टूडेंट प्लांट सेल, और एक होती है एनिमल सेल। एनिमल्स के अंदर मिलने वाली सेल को एनिमल सेल, प्लांट के अंदर मिलने वाली सेल को प्लांट सेल कहते हैं। मेन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स इनके अंदर? प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल, सेल बेसिकली टू टाइप की होती है, एक होती है प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल के पास स्टूडेंट एक वर्ड होता है सेल वॉल, सेल वॉल होती है प्रेजेंट। प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। दूसरा स्टूडेंट, सेल को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं,
इनके जो लेवल के बेस पर सेल टू टाइप की होती हैं स्टूडेंट्स, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट इन वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन एलिफेंट एंड अदर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो बैक्टीरिया और ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती हैं जिन जो बहुत छोटे बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। और एक होता है स्टूडेंट्स ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के पास प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, बट ह्यूमन के पास हमारी बॉडी के अंदर या फिर बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं फिश ह्यूमन फिश और जितने भी एनिमल्स होते हैं सब के अंदर प्लांट्स एनिमल्स सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स एक कमजोर टाइप की सेल होती है जिसके अंदर सभी चीज़ें डेवलप्ड नहीं होती, बट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सभी चीज़ें डेवलप्ड होती हैं, ये ह्यूमन फिश प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स सेल्स इज बेसिकली टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मिलती है, यूकैरियोटिक सेल्स ह्यूमन फिश प्लांट और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी का जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें क्लास 11th में पढ़ना और सीखना है जिसके बेस पर हम बायोलॉजी को समझेंगे इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी क्या है आप ध्यान से सुनिए। अर्थ पर बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इतने सारे प्लांट्स और इतने सारे एनिमल्स को स्टडी करने के लिए हमें इनको क्लासिफाई करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे क्लासिफाई करना पड़ता है स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए एक बुक सेलर की दुकान है, किताबों की दुकान है, उसमें किताबें भरी पड़ी हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, उसमें किताबें भरी पड़ी हैं और हमसे बोला जाए कि आप उसमें से क्लास 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक निकाल कर दो, तो हमें ढूंढना मुश्किल होगा, 2-3 घंटे में जाकर के हम एक बुक को ढूंढ पाएंगे। बट अगर हमारे पास जितनी बुक्स हैं वो टोटली बुक्स हम एक सीरीज में लगा दें, एक क्लासिफिकेशन कर दें, एक तरीके से लगा दें, तो हमें बोला जाए कि क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक दो, हम बॉक्स में जाएंगे और जाकर के वहां से डायरेक्टली बुक निकाल लेंगे। वैसे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्टडी को करने के लिए हमें एक वर्ड होता है क्लासिफिकेशन को पढ़ना होता है। एनिमल्स और प्लांट्स को हमने क्लासिफाई कर दिया और क्लासिफाई करके उनको जो है आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स प्लांट्स और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन होता है। जितने भी हमारा एनिमल किंगडम है, एक होता है स्टूडेंट्स एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में और एक होता है स्टूडेंट्स प्लांट किंगडम, एनिमल्स किंगडम एंड प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम को स्टूडेंट्स हम फाइलम में क्लासिफाई करते हैं, फाइलम में, और प्लांट किंगडम को हम, प्लांट किंगडम की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, में डिविजन्स होती हैं, डिविजन्स। तो स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी होता है क्लासिफिकेशन, एनिमल्स को हम इस क्लासिफिकेशन करेंगे जिससे उनको आराम से पढ़ सकें। द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी होती है स्टूडेंट कैरोलस लिनियस, एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास होती हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं? तो स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली के बाद आता है स्टूडेंट्स जीनस
और जीनस के बाद आता है स्पीसीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये होती हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिनके अंडर हम किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। किंगडम जैसे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, दो टाइप के किंगडम हो गए। फिर फाइलम होता है, ये क्लासिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स एनिमल की, एनिमल्स के लिए। प्लांट्स के लिए इसमें क्लासिफिकेशन में थोड़ी कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं। प्लांट्स के लिए होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स के लिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स किंगडम, फाइलम। किंगडम के बाद आता है स्टूडेंट्स डिवीजन, इतना डिफरेंस होता है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और जीनस के बाद आता है स्टूडेंट्स स्पीसीज, माय डियर स्टूडेंट स्पीसीज। तो स्टूडेंट्स ये होता है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, जिनकी बॉडी के अंदर सिंगल सेल यानी एक सेल होती है बस, उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल है स्टूडेंट्स अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये ऐसे एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स जिनकी बॉडी के अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, इनकी बॉडी के अंदर केवल और केवल एक ही सेल होती है, ओनली और ओनली वन सेल प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद स्टूडेंट्स में एक वर्ड आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब आप बायोलॉजी स्टडी करोगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो स्टूडेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर मोर देन वन सेल, मोर सेल्स, जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हों, एक से ज्यादा, 4, 5, 10, 1,10,000,000, बहुत सारी करोड़ों सेल्स प्रेजेंट हों, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हलवा की जलेबी, अरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भैया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर मोर, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हो, जैसे ह्यूमन, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, करोड़ों सेल्स होती हैं, ह्यूमन एंड एलिफेंट, ह्यूमन, इंसेक्ट्स, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब की बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है स्टूडेंट टिशू, व्हाट इज टिशू, टिशू क्या है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज टिशू, क्लास में मैडम पूछेगी व्हाट इज टिशू, क्लास में सर पूछेंगे व्हाट इज टिशू, तो स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स इज कॉल्ड टिशू। स्पेसिफिक सेल्स के ग्रुप को हम टिशू बोलते हैं, स्पेसिफिक सेल्स के ग्रुप को हम टिशू बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स आज अब हम जो है टू संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। एक संस्था होती है स्टूडेंट्स ICBN, एक वर्ड आता है ICBN, ये ICBN क्या है, ये होता है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें आता है ICZN, ये होता है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे प्लांट्स हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे लिप्टिस, पॉपुलर, और एनिमल्स भी बहुत सारे हैं। सभी एनिमल्स और प्लांट्स को हम जो है इंडिया में अलग भाषा में बोलते हैं, तेलुगु में अलग भाषा में बोलते हैं, तमिलनाडु में अलग भाषा में बोलते हैं, बट जो ये हमारे पास इनके जूलॉजिकल और बोटेनिकल नेम होते हैं, जो इनके बायोलॉजिकल नेम होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसे होते हैं स्टूडेंट। जैसे हमने क्लास टेंथ में IUPAC पढ़ा था केमिकल्स के नाम पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, वैसे ही हम ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जो नाम होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, ये पूरे वर्ल्ड में एक होते हैं।
यानी कि होमो सेपियंस ह्यूमन का नाम है तो पूरे वर्ल्ड में होमो सेपियंस ही चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मस्का डोमेस्टिका मक्खी का नाम है तो मस्का डोमेस्टिका पूरे वर्ल्ड में मस्का डोमेस्टिका ही चलेगा। आम के पेड़ का बायोलॉजिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, वो पूरे वर्ल्ड में मैंजीफेरा इंडिका ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन का एक वर्ड होता है जो हमने स्टार्टिंग एक आता है इसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? तो स्टूडेंट्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच वाइटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था। एक साइंटिस्ट थे आर एच वाइटेकर, उन्होंने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। उन्होंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया था। वो किंगडम्स थे स्टूडेंट्स हमारे, किंगडम जो थे वो था हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, इसमें किंगडम मोनेरा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक साइंटिस्ट थे आर एच वाइटेकर, उन्होंने एनिमल्स को फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो स्टूडेंट्स जो आर एच वाइटेकर ने सारे एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया था, बट हमारे पास जो वायरस होते हैं वायरॉइड्स होते हैं उनको क्लासिफाई नहीं किया था, उनको क्लासिफिकेशन में नहीं रखा था, नॉट क्लासिफिकेशन, उनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। इन किंगडम्स के अंदर वायरस को कोई पोजीशन नहीं मिली, वायरस के बारे में नहीं बताया गया। वायरस क्या होता है, वायरस एक पॉइजन्स पार्टिकल होता है स्टूडेंट। वायरस इज ए, डेफिनेशन पढ़ना में, वायरस इज ए पॉइजन पार्टिकल, ये एक जहर का कण होता है। वायरस इज ए पॉइजन पार्टिकल विच इज कनेक्टिव लिंक्स between living and non living things। तो स्टूडेंट्स वायरस जो होता है पॉइजन का पार्टिकल होता है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की कनेक्टिव लिंक्स होती है। यह जब हवा में रहता है तब नॉन लिविंग होता है, और जब किसी एनिमल्स के अंदर चला जाता है तो वहां पर जाकर के लिविंग हो जाता है। सबसे पहले एक वायरस था TMV, तंबाकू मोजेक वायरस, इसकी डिस्कवरी की गई थी। तंबाकू मोजेक वायरस, इसका आज डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये तंबाकू मोजेक वायरस क्या है, इसका डायग्राम स्टूडेंट हम ऐसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये है तंबाकू मोजेक वायरस, जिसके अंदर होता है RNA प्लस प्रोटीन। अगर हमसे क्लास में सर पूछें कि TMV क्या है, TMV तंबाकू मोजेक वायरस है, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, जिसके अंदर प्रोटीन प्लस RNA होता है। तंबाकू मोजेक वायरस जो है तंबाकू की लीव्स पर पाया जाता है, वहां पर इन्फेक्शन करता है। ये होता है स्टूडेंट्स तंबाकू मोजेक वायरस। सबसे पहले जो वायरस की डिस्कवरी हुई थी वो था तंबाकू मोजेक वायरस। तो स्टूडेंट्स माई सेल्फ तुषार कुमार, और ये दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल टारगेट कोचिंग सेंटर IIT। यदि आप कंटिन्यू बायोलॉजी क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, ओके।